नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या रहेगा अगले कुछ दिनों में प्राइस से लेके क्या एक्शन हो सकता है, बुलिश या बेयरिश क्या मोमेंट देखने को मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे 4 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आप बगल में हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं यस बैंक की। जब भी कोई न्यूज़ आती है तभी हम वीडियो बनाते हैं और कई वीडियोस पे काफ़ी सारा प्यार मिला है। तो यस बैंक की रियल न्यूज़ के लिए, टाइमली अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यस बैंक शेयर प्राइस टैंक्स बट बुल्स आर स्टिल इन कंट्रोल। यानी कि यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हो रहा है लेकिन बुल्स के अभी भी कंट्रोल में है। तो समझते हैं कि बुल्स के कंट्रोल में क्यों है और ये आर्टिकल ऐसा क्यों निकल के आया है। यस बैंक शेयर प्राइस हैज़ बीन रैलिंग फॉर द लास्ट 2 वीक्स, हाउएवर द शेयर ऑफ इंडियन बैंकिंग जायंट रिमेन्स 6.8% डाउन फ्रॉम देयर ईयरली हाई। यानी कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार यस बैंक का प्राइस थोड़ा थोड़ा करके अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था, उसके बावजूद 6.8% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। लेकिन अभी की बात करें, मंडे के दिन पे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है यस बैंक में। द लेटेस्ट एनालिसिस रिवील्स दैट शेयर हैव ब्रोकन अबव अ वेरी क्रिटिकल लेवल ऑन द चार्ट एंड नॉट रीटेस्टिंग इट। यानी कि एक क्रिटिकल लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है यस बैंक और यहाँ पर वापस से रीटेस्टिंग हो रही है। यस बैंक शेयर टैंक्ड ऑन मंडे एंड फेल बाय 1.52%। यानी कि 1.52% ड्रॉप हुआ है मंडे के दिन पे। जबकि अगर हम बात करें NSE की या यहाँ पर निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स की, तो यहाँ पर बेंचमार्क में पॉजिटिव इंडेसेस देखने को मिला है, उसके बावजूद डाउन रहा है। हाल ही में क्या न्यूज़ निकल के आई है, अभी हम बात करें। यस बैंक पार्टनर्स विद PayU एंड वीज़ा। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट यस बैंक न्यूज़, इट हैज़ कोलाबरेटेड विद PayU एंड वीज़ा टू लॉन्च अ बिजनेस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर प्रोग्राम फॉर वीज़ा कॉमर्शियल कार्ड कस्टमर। यानी कि यहाँ पर यस बैंक ने PayU और वीज़ा के साथ टाई अप करा है बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मर्चेंट को एंड कस्टमर्स को यहाँ पर। और इस प्रोग्राम के थ्रू रिड्यूस करा जाएगा कॉस्ट फॉर मर्चेंट वाय सेवरल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल कॉमर्शियल ऑफरिंग। इन अदर न्यूज़, द कंपनी हैज़ लॉन्च अ न्यू लोगो विद न्यू ब्रांड आइडेंटिटी। यानी कि इसकी पुरानी जो न्यूज़ निकल के आई थी उसमें अगर हम बात करें तो न्यू ब्रांड और न्यू लोगो की बात कही गई है। उसके पहले की न्यूज़ जो मेनली अगर देखी जाए, Q4 का रिजल्ट आया था जहां पर नेट प्रॉफिट 45% डाउन देखने को मिला था, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न था हाईली कि यहां पर बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग करी गई थी। यस, अब बात करते हैं प्राइस की और क्या एक्शन चार्ट हो सकता है अगले कुछ दिनों में। तो इन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, NSE यस बैंक फाइनली ब्रोक अबव द 16.10 रेजिस्टेंस लास्ट वीक। यानी कि 16.10 का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करा है, रिजल्टेड इन अ बिगर पुश टू द 16.65 लेवल। यानी कि 16.65 रुपीज़ तक के लेवल तक जाते हुए देखने को मिला, लेकिन वापस से यहाँ पर फ्लिप होने लगा रीटेस्टिंग के टाइम पे। अब यहाँ पर 2 मूवमेंट हो सकते हैं, या तो ये सपोर्ट आगे ब्रेक करके आगे जाएगा या फिर बेयरिश मोड में एंटर हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे तो अगले कुछ दिनों में आपको 17.3 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि अप्रैल मंथ का हाई बनाया था यस बैंक ने। उस टारगेट पे अभी के लिए आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट वापस से टूटता है तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है। और 15.50 रुपये तक का टारगेट दिखाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, और ये रहेगा मई 2023 का लो। यानी कि ये चीज़ मई 2023 में बना था। तो यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हैं यस बैंक में वोलेटिलिटी थोड़ी सी हाई है, तो नया इन्वेस्टमेंट अभी तुरंत मत करें। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ऑलरेडी, भले आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, लेकिन अभी मैं सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।